गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम शुरुआत करते हैं लॉगरिथमिक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ एक्चुअली कि हमारी ज़िंदगी में लॉग की शुरुआत हुई कैसे। एक्चुअली जब भी हमें जिस टाइप के जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं अंडर रूट 0.0000165 इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन है, अब इंसान यहीं पर नहीं रुका, उसे और ज़्यादा हार्डेस्ट यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 0.127356 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.1257 इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन हो और ऊपर से 2 into इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन है, और इनको नॉर्मली अगर हम सॉल्व करने लग जाएं तो हमारे बिल्कुल पसीने छूट जाएंगे, कैसे करेंगे इनको। तो इन सब या फिर इस टाइप से 2 की पावर 100, इसमें नंबर ऑफ डिजिट अगर वहाँ 2 की पावर 2, 5 या 6 या 10 तक भी हो तो भी हम कर पाएंगे, लेकिन 2 की पावर 100 तो सुबह से शाम हो जाएगी तब भी नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के कैलकुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे लॉगरिथमिक में एक रूल आया। तो इस ये चैप्टर क्या कहता है, हम लिखो ये नोट करो, दिस चैप्टर gives us the rule which is used to simplify some mathematical calculations। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सब अभी सिर्फ हमने यहाँ पे ये बताया कि इस टाइप के जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है उनको इजी करने के लिए हमारी ज़िंदगी में लॉग आया, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वही अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है कि ये हमें एक रूल देता है, एक टूल प्रोवाइड करता है कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लॉज अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड और विद इन मिनट, है ना। और बाकी ऐसे कंटिन्यूस अगर बिना टूल के आप करने लग गए तो बिना कैलकुलेटर के आप नहीं कर सकते इनको। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है अगर उसको एक्सप्रेस करना है हमें, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मैंने कोई पॉजिटिव रियल नंबर n ले लिया, तो हमारे लॉगरिथमिक क्या कहता है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू फॉर्म्स। और वो टू फॉर्म्स कौन सी हैं, यानी कि हम रियल नंबर को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो दो फॉर्म कौन सी हैं, पहला कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बिल्कुल बहुत इजीली आराम आराम से पढ़ेंगे, तुमको आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअली में लॉगरिथमिक है क्या, इसको पूरा फील लेके पढ़ेंगे हम कि पहला क्या है, कोई भी रियल नंबर n है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें साथ के साथ लिखते चलें क्योंकि अभी इसमें कुछ समझने वाला आया नहीं है, और जब भी ऐसा समझने वाला आएगा मैं खुद बता दूंगा, अभी साथ के साथ नोट करते चले, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू फॉर्म, एक तो कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरी कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हम इसमें आगे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कोई भी रियल नंबर लिया n, अभी सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देखो मैंने जैसे बोला ना पॉजिटिव रियल नंबर, तो कहीं ना कहीं मैंने चोरी से तुमको बता दिया कि यह ग्रेटर देन जीरो है, यह आप बिल्कुल समझ जाओगे क्योंकि पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, पॉजिटिव में जीरो से जस्ट बड़े नंबर आते हैं। तो इसमें क्या है, मैं कहीं ना कहीं चुपके से तुम्हें बता दिया, एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म, जैसा मैंने यहाँ पर
बताया, जैसे मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एन इक्वल टू ए की पावर एक्स, यानी कि हमारा ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर को या क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो ये क्या है, एन इक्वल टू ए की पावर एक्स। वहीं पे हम लॉगरिथमिक कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले मैं लॉगरिथम के बारे में दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा रफ एरिया है, जिससे आप अपने रेगुलर नोट्स ना खराब करें तो मैं एक साइड में बता देता हूँ कि रफ एरिया में कि जैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं टेन थीटा साइन थीटा कॉट थीटा कोई भी, जैसा कि वहाँ पे इनपुट क्या है, एंगल। अगर वहीं पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल ना मिला तो क्या उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा? फिर तो ये बोल देंगे साइन अलग थीटा अलग, तो साइन थीटा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो एक इंग्लिश मीनिंग हो गई। इंग्लिश मीनिंग भी नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन तो नहीं हुआ। तो उसी प्रकार जैसे हमारा साइन थीटा है तो ये अब एक क्वांटिटी बना, एक मशीन बना, एक ऑपरेटर बना कि अगर इसको एंगल इनपुट देंगे तो कुछ करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिया, तुरंत ये चीखने लगा कि मैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगा, तो इसने क्या दिया, साइन थीटा की साइन 30 की वैल्यू कितनी दी इसने, 1/2 दी। ऑन द सेम नोट एक हमारी जिंदगी में क्या आया, लॉग। और लॉग भी चिल्लाने लगा, जैसे ही समाज में इसका जन्म हुआ तुरंत जन्म लेते ही चिल्लाने लगा मेरे को दो चीज़ चाहिए। और वो दो चीज़ कौन सी चाहिए, एक तो मेरे को नंबर चाहिए और एक क्या चाहिए, बेस चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो इसका मतलब मैं एक मीनिंगफुल क्वांटिटी बन जाऊंगा और मैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दूंगा। यानी कि लॉग इज एन ऑपरेटर जिसको क्या एक नंबर चाहिए, इसको क्या आर्गुमेंट भी बोलते हैं, और एक बेस चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट और नंबर भी बोलते हैं। मैक्सिमम बुक्स में नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको और आर्गुमेंट भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या आउटपुट देता है, एक एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे देखा, जैसे मैंने क्या कहा कि हम किसी भी रियल नंबर को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या, मेरा पॉजिटिव रियल नंबर, ए क्या है मेरा बेस, और एक्स क्या है मेरा, इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये इसी के नाम है, और इसे डिग्री भी बोलते हैं। अब देखो मैंने कहा किसी भी रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे एन को किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए की पावर एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पर क्या है, पावर है, एन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ए क्या है, बेस है। अब लॉगरिथमिक में क्या है, किसी भी नंबर का लॉग लिया किस बेस पे, एक बेस यहाँ पे एक आधार बना दिया कि इस बेस पे मैंने लॉग लिया, और यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, जो यहाँ पे पावर में था यानी कि एक्सपोनेंट। यानी कि ये नंबर हमें कब मिलेगा, यानी कि जो ये बेस में है, क्योंकि यहाँ पावर में है ना, क्योंकि ये बेस में रेज किया तभी तो ये नंबर मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे ए में क्या रेज करें कि ये नंबर मिल जाए, तो क्या रेज करें इसका मतलब क्या है, एक्स, मतलब ए की पावर में अगर एक्स रेज करें तो ये नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा लॉग हुआ। यानी कि लॉग को दो चीज़ चाहिए, एक हमारा नंबर चाहिए, एक हमारा क्या चाहिए, बेस चाहिए। और जो अगर ये बेस के पावर में कुछ रेज करें तो हमारा ये नंबर मिल जाना चाहिए। मैंने यहाँ से कंपेयर कर दिया, और दोनों ये चीज़ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, अगर इस लॉगरिथमिक है, अगर इसका एंटी लॉग लें तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगी, अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉग एंटी लॉग लें तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म मिल जाएगी, और इसका एंटी लॉग लें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगी। तो एक्चुअली है क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। इसको हर एक जगह सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट के नहीं लिए छोड़ूंगा इसको, यहीं इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक छोटा सा आर्टिकल है। जैसे मैंने क्या बोला, एंटी लॉग ऑफ एन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा लिखना पड़ता है, एंटी लॉग एन टू द बेस ए, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ए टू द पावर एन। वहीं पे कोई भी एग्जांपल लो, जैसे एंटी लॉग मैंने 5 लिया बेस 2 पे, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा कि बेस की पावर में एन आ जाता है, तो 2 की पावर 5। तो ये छोटी टर्म में जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक जगह सिर्फ ये एंटी लॉग यूज होता है। तो
ये सिर्फ एंटी लॉग का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे लॉगरिथमिक का यहाँ पे ये, अब इसको हम डिफाइन करते हैं प्रॉपरली एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 49 को 7 स्क्वायर, यहाँ पे बेस क्या है 7, एक्सपोनेंट क्या है 2, आ रहा है ना समझ में। तो ऐसे ही दूसरा कोई एग्जाम्पल लिया 25, तो 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, वहीं पे 625 लिया इसको क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, वहीं पे मैंने 512 लिया तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 9, वहीं पे 1024 लिया तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारे जितने भी हैं रियल नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे ये सब क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका मतलब पॉजिटिव जो रियल नंबर हैं उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हम डिफाइन करते हैं लॉग को। तो गाइस हम यहाँ पे क्या ए क्या हमारा एक बेस है, एन द नंबर है, यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लें किसी भी बेस पे तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है एक्सपोनेंट, क्योंकि यहाँ से पता लगाया एन इक्वल टू ए की पावर है, क्योंकि वहाँ पे एन भी आ गया बेस भी आ गया, सिर्फ बचा क्या एक्सपोनेंट। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर का क्या लें, जब भी हम किसी भी नंबर का किसी भी बेस पे लॉग लें तो हमारा आंसर में क्या मिलता है एक्सपोनेंट, क्या मिलता है एक्सपोनेंट, हाँ या ना। तो एक क्या मिल रहा है हमें एक्सपोनेंट, अब इसी को हम डिफाइन करते हैं। हेंस इफ वी टेक लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट बाय विच बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर to get that number, तो हमने क्या डिफाइन किया hence if we take, जैसे हमने डिफाइन किया जो हमने बोला वही मैंने लिखा if we take logarithmic of a number, यानी कि किसी भी number का log लें to some base, इसमें लिखा है ना ये पूरा to some base, हमने किसी भी नंबर का लॉग लिया किसी भी बेस पे, इज द एक्सपोनेंट बाय विच बेस मस्ट बी रेज्ड, ये क्या है बेस मस्ट बी रेज्ड, मतलब हम बेस के क्या पावर लें कि ये नंबर मिल जाए, वही तो हम डिफाइन कर रहे हैं बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर, यानी कि हम बेस की पावर में क्या रेज करें कि ये नंबर मिल जाए। जैसे हमने अभी क्या लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ ली, ये कुछ नंबर लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यानी कि 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी को अब तो देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 49 को, अब देखो जैसे मैंने लिखा 49, अब वहाँ पे बेस क्या है, यहाँ 49 को मैंने सबसे पहले n इक्वल टू ए की पावर x फॉर्मेट में लिखा, यानी 49 को मैंने क्या लिख दिया 7 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या है यहाँ पे बेस 7 है, 49 क्या है नंबर है, यानी कि ये n है ये a है और ये क्या है x है, इसका मतलब 49 को लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये पैरामीटर आने चाहिए कि नहीं। तो मैंने जैसे ही लॉग लिया 49 का किस बेस पे 7 बेस पे, यानी कि अब हम मैंने क्या बोला किसी भी नंबर का लॉग लें किसी भी बेस पे एक्सपोनेंट आंसर में मिलता है, यानी कि अब हम 7 की क्या पावर लें कि 49 मिल जाए, तो वही तो इसका आंसर होगा। तो हम क्या 7 का स्क्वायर करें तभी तो एक्सपोनेंट आएगा। वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लें, मैंने लिखा लॉग 81 बेस 9, ठीक है ना, अब मैं 9 का क्या है? क्योंकि 9 यहाँ पे बेस है, मैं 9 की क्या पावर लूँ कि 81 मिल जाए, अभी तो मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ कि क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर है, अभी हम सर्ट्स में बिल्कुल सर्ट्स जहाँ पे जो अंडर रूट वगैरह क्यूब रूट वगैरह फिफ्थ रूट इस टाइप के नंबर आएंगे तो उसमें डायरेक्ट आइडिया नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इसमें क्या हम डायरेक्ट आइडिया लगा पा रहे हैं।
और उन सब को सॉल्व करने का मैं और भी मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये देखो कि कैसे हो रहा है ये सब। तो अब हमें 81 क्या मिलेगा, मैं 9 का क्या पावर चढ़ाएं कि हमें 81 मिल जाए, तो हम क्या 9 की 2 पावर चढ़ाएं तभी तो हमें 81 मिलेगा। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने क्या किया 49 मैंने, अब इसको पढ़ने का सबसे पहले अब आपके मन में ये आ रहा होगा मैं log 49 बेस 7 log 49 बेस 7 log n बेस ये सब बोले जा रहा हूँ, इसका एक्चुअल पढ़ने का तरीका क्या है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे log ऑफ 49 टू द बेस 7, ये एक्चुअल पढ़ने का तरीका है इसका, है ना। तो इसे पढ़ेंगे क्या, log ऑफ 49 टू सम टू द बेस 7। अब मैं मुझे अब सबसे पहले क्या, जब किसी की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि इसको x मान लो, तो हमेशा की तरह मैंने भी इसको क्या नाम दे दिया x, क्योंकि हमारी x से तो बहुत बड़ी जान पहचान है, तो क्योंकि यही हमारा अंत में साथ देता है तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, जैसे ही लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा, क्योंकि ये दोनों फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका एंटी लॉग लें तो ये मिल जाएगा, अगर इसका लॉग लें तो ये मिल जाएगा, तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। वहीं पे अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिया है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, n इक्वल टू a की पावर x की फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो आइडिया लग पाएगा, क्योंकि हमें ये अब 49 हमें कब मिलेगा, जो एक्सपोनेंट आया उसको बेस की पावर में रेज कर दें, यानी कि 49 नंबर n बेस क्या है 7, क्योंकि इसी को हमें n इक्वल टू ए की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, तो मैंने क्या 49 इक्वल टू 7 की पावर x, और इस 49 को क्या कर लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर 7 की पावर x। अब मैंने बचपन में पढ़ा है छोटी क्लास में कि जब भी दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं और उनके बेस सेम हो गए, और जैसे ही बेस सेम हो गए तो बिल्कुल हम खुशी के मारे पागल हो गए, क्योंकि जब भी बेस सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो जैसे ही पावर इक्वल की तो हमें आंसर क्या मिला 2, और हमने यहाँ से भी डायरेक्ट क्या निकाला था 2 निकाला था। अब वहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे log 81 अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सोचना कि डायरेक्टली हम क्या अंडर रूट 3 की पावर कितना लें कि हमारे 81 आ जाए, तो मैंने क्या मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहता भाई, तो मैंने क्या मान लिया सिंपली इसको x मान लिया। जैसे मैंने x माना इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू a की पावर x की फॉर्म में लिखना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर n क्या है 81, a क्या है बेस, a क्या है बेस रूट 3 और इसकी पावर x, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर क्या होता है अल्टीमेटली 81 ही तो होता है, तो 81 आ गया तो अंडर रूट 3 की पावर क्या हो गया x, यानी कि अंडर रूट 3 को देखो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, तो फिर मैंने वो ही लिखा 3 की पावर 1/2 की पावर x, और जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो और उसके टोटल पावर हो तो इस केस में ऐसे केस में क्या होते हैं पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये अल्टीमेटली आ क्या गया 3 की पावर x/2, यानी कि 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x/2, और फिर दोबारा से हम खुशी के मारे चिल्ला उठे क्या जैसे बेस सेम होता है तो हम पावर कंपेयर कर देते हैं, तो जैसे ही बेस सेम हुआ 4 इक्वल टू x अपॉन 2, यहाँ से x क्या मिल गया हमारा 8, तो ये नोट कर लो। तो गाइज उसी कंटिन्यूएशन में हम कुछ और एग्जांपल भी लिखते हैं जो एक छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल्स हैं, इससे पहले अभी मैंने इनकी कंडीशंस नहीं लिखी है कि ये कब डिफाइन होंगे n क्या होगा a क्या होगा, उससे पहले मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ और इससे कुछ ऑब्जर्वेशन से मैं कुछ रिजल्ट भी डिड्यूस करूँगा। तो उससे पहले क्या है मैंने इसको क्या मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, तो वही प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर फॉलो करना है, ये समझ लो भगवान ने हमें बुद्धि तो दी ही नहीं है, क्योंकि अगर अपना दिमाग लगाया तो गलत हो जाएगा। तो जो सेटअप प्रोसीजर है कि हमें n इक्वल टू ए की पावर x फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लॉग लेना है और एक्सपोनेंट आंसर में मिलता है, ये सब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इस नंबर को मैं n इक्वल टू ए की पावर x की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब 512 इक्वल टू क्या होगा 8 की पावर x हो गया। अब क्या है जो मेरा ये 512 है आप सबको पता है ये 8 का क्यूब है,
8 का क्यूब है तो 8 की पावर x, ये दोनों क्या यहाँ पे फिर दोबारा से हम खुशी के मारे पागल हो, क्योंकि जैसे हमारा बेस सेम होता है हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो 81 है और बेस में क्या है 3। अब यहाँ से तो हम, ये तो बहुत ईजी नंबर है, हमें कि हमें 80 नंबर कब मिलेगा, यानी कि 3 की पावर में क्या पावर रेज करें कि ये नंबर मिल जाए, यानी कि हम 3 की पावर में क्या नंबर रेज करें, तो हम 3 की पावर में 4 लेके जाएं तभी तो हमें 81 मिलेगा। अगर जिसकी समझ में नहीं आया तो वही प्रोसीजर, log 81 बेस 3 इक्वल टू x माना, तो यहाँ से क्या होगा 81 इक्वल टू 3 की पावर x, और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये क्या 3 की पावर x, और जैसे बेस सेम हो गए तुरंत हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से x इक्वल टू फोर आंसर आ गया। तो ये क्या एक सेटअप प्रोसीजर है और सिर्फ उसी प्रोसीजर से चलते हैं। इसका आंसर बताओ, जैसे हमने बोला log 4 बेस 2, अब हम क्या 2 की पावर में क्या चढ़ाएं कि 2 की पावर में क्या रेज करें कि हमें ये 4 मिल जाए, तो हमें 4 कब मिलेगा जब 2 की पावर में 2 लें, तभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जैसे हमने 2 की पावर में 2 लिया तो ये क्या हमें 4 मिल रहा, इसका मतलब आंसर क्या है इसका भी 2 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल सेटअप प्रोसीजर से जाओ, x मानो और पावर कंपेयर कर दो तो आंसर मिल जाएगा ऐसे। आगे वाला देखते हैं, अब इसमें जहाँ अंडर रूट आ जाए तो थोड़े से अटेंशन हो जाओ, क्योंकि जहाँ पे अंडर रूट आता है तो वहाँ थोड़े से गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी अंडर रूट आ गया तो ये सड़ापा फैला देता है, बिल्कुल हमारे मोहल्ले को ही ख़राब कर देता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला ख़राब नहीं हो, शांति बने रहे, तो उसके लिए क्या मैंने एक x मान लिया। भाई हम झंझट में क्यों पड़े, इतना ज़्यादा क्यों सोचे कि रूट 5 की क्या पावर चढ़ाएं कि 125 मिल जाए, तो क्या है हम उतना झंझट में नहीं पड़ेंगे। मैंने क्या कहा n इक्वल टू a की पावर x की फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे n क्या है 125, a क्या है अंडर रूट 5 की पावर में x, और अंडर रूट या अंडर रूट को हटाने के लिए इसे क्या कर दूँ 5 की पावर x बाई 2 लिख दूँ, और ये 5 का क्या है 120 को 5 को क्या लिख सकते हो 5 का क्यू, जैसे 5 का क्यू लिखा 5 की पावर x बाई 2, और जैसे ही हमारे बेस सेम हुए फिर दोबारा से हम चिल्ला उठे बिल्कुल कि अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल आंसर तक पहुंच गए ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 6। हम सारे क्वेश्चन में वो ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा ही नहीं रहे। अब यहाँ पे देखो ये नंबर है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/5। अब देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना 5th, इस पे बेस्ड मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा और यहाँ से तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ पता चलेगा। वो क्या, अभी तो ये देखो 5 है, इसका रेसिप्रोकल 1/5 है, और इनको एक छोटी क्लास में 3rd, 4th, 5th में आपको याद होगा एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाम का एक कुछ था, कुछ याद है कि नहीं है, बिल्कुल भूल वालोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं, जब भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आता है 1, तो यानी कि 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, बाकी इन डिटेल बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर इसको x मान लूँ, x मान लिया, जैसे मैंने x माना तो मैंने 5 वही n इक्वल टू a की पावर x की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, तो यानी कि 1/5 टू द पावर x, ठीक है। जैसे 1/5 की पावर x लिखा तो मैं 1/5 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, यानी कि 5 की पावर -x आ गया, और यहाँ पे क्या दोनों बेस सेम हो गए, यानी कि 5 इक्वल टू 5 टू द पावर -x, और दोनों बेस सेम है तो यहाँ इसके पावर में क्या 1 ही तो है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -1। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, एक क्या चीज़ पता चली कि यानी कि जब भी हम किसी लॉग का, मतलब यानी कि किसी भी नंबर का लॉग लें, अगर बेस उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि नंबर अगर उसके आर्गुमेंट में है और बेस में क्या उसका रेसिप्रोकल है, जब भी ऐसा होगा कॉम्बिनेशन, तो हम आंख बंद करके बिल्कुल ज़ोर से चिल्लाएंगे कि आंसर क्या होगा -1। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर क्या होगा -1 ही आएगा हमेशा, चाहे वो क्या अंडर रूट फॉर्मेट में दिए हो या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में दिए हो, कुछ भी हो, अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन गए तो आंसर क्या आएगा -1। अब देखो आगे देखते हैं, लॉग 1 नंबर में क्या है 1/93 यानी कि आर्गुमेंट, और बेस में क्या है 1/93। जैसे ही अब यहाँ पे देखो आर्गुमेंट भी वही है और बेस में भी वही नंबर है, यानी कि अब देखो हमने क्या बोला था
कि किसी भी नंबर का लॉग लो किसी भी बेस पे, एक एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आंसर में मिलता है। यहाँ पे क्या नंबर भी वही है और बेस भी वही है, तो हम इस बेस की क्या पावर चढ़ाएं कि वो नंबर मिल जाए, क्योंकि नंबर इट सेल्फ इज ए बेस, तो इसकी पावर वन करेंगे तभी तो ये मिलेगा। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आंसर क्या आएगा, वन। यानी कि इस यहाँ से हम एक रिजल्ट और डिड्यूस कर सकते हैं कि जब भी हमारा नंबर और बेस सेम होंगे, यानी कि किसी भी लॉगरिथम में अगर नंबर और बेस सेम होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन आएगा, और जब नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, वन आएगा, माइनस वन आएगा। अब वहीं पर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं, तब तक इसे नोट करो। तो उसी कंटिन्यूएशन में और आगे बढ़ते हैं और कुछ सम इलस्ट्रेशन और भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ तक मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इसकी कंडीशन हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग से ही काम चल जाएगा, क्योंकि अगर तुम भूल भी जाओगे तो कंडीशन इजीली निकाल पाओगे। तो वही सारे मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखो सेवेंथ क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, 1/9 है नंबर में और बेस में क्या है, 1/3, यानी कि कुछ 3 के मल्टीपल कुछ दिख रहे हैं, 3 भी 3 का मल्टीपल है और 9 भी 3 का मल्टीपल है। तो मैंने क्या कहा तो कि हमें इस नंबर के पावर में क्या कर लेके जाएं तो 1/9 हो जाए, तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, इस 1/3 की पावर 2 कर दें तो 1/9 मिल जाएगा। अगर इसमें भी दिक्कत है तो वही log 1/9 और बेस में 1/3 एक्स मान लो, और जैसे ये माना n इक्वल टू a की पावर x फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या आ गया, 1/9 इक्वल टू 1/3 की पावर x, और 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 की पावर x। और तो यहाँ से जैसे ही हमारा क्या बेस इक्वल हो गए तो पावर हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 2, क्योंकि प्रोसीजर सेम है, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ बिल्कुल भी, जो प्रोसीजर है सिर्फ वही फॉलो कर रहा हूँ। अब इसमें बताओ इसमें क्या आएगा, इसे सोचो क्या आएगा इसमें। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिखा हुआ, अभी मिटाया नहीं है मैंने, जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जो एक नंबर है 5, 1/5 उसका रेसिप्रोकल, क्या तुम्हें ऐसी सिमिलरिटी इसमें नज़र आ रही है क्या, कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं क्या? देखो सोचो रेसिप्रोकल पता कैसे लगाना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 1, उसी को तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक इन डिटेल बता ही देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, कोई बताता नहीं है, सब ये सोच के चलते हैं ये तो अंडरस्टूड है, जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो बेस बनाती हैं हमें आगे चल के। क्योंकि जब भी हमारा कोई भी जैसे ए है, ए माइनस ये ए इंटू बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आता है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वहीं पर ए किसके बराबर हो जाएगा फिर, 1/b के। अब वहीं पर देखो जहाँ पर ये √2 - 1 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करे, अगर वो मल्टीप्लाई होके 1 आ गया तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे कि नहीं, हाँ या ना, होंगे ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 - 1 और √2 + 1। अब इन दोनों को ये क्या हो गया, a - b और ये a + b, आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये क्या हो गया, 2 - 1, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, 1। तो बिल्कुल हम चिल्ला उठे और हंसी हमारी रुक नहीं रही थी, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या मिल गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गए। और जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गए तो हमें तुरंत पता चल गया इसका आंसर क्या आने वाला है, -1, क्योंकि वही तो ये तो बोला था मैंने। अब देखो, अब तुम्हें बिल्कुल अगर भरोसा नहीं है, हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत लोगों की फड़फड़ाहट होती है ना, तो फड़फड़ाहट को मिटाने के लिए मैंने क्या किया, वही प्रोसीजर फॉलो किया, क्या किया मैंने, √2 - 1 किसके बराबर होना चाहिए, √2 + 1 to the power x √2 इसका x आ गया। अब मैंने क्या किया कि जो ये वाला अंदर वाला नंबर है इसको रेशनलाइज कर दिया तो √2 - 1 = इसको रेशनलाइज कर लो, सबसे अच्छा यही रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, √2 + 1 और √2 + 1,
रेशनलाइज कर दिया, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऊपर क्या बना, वन अपॉन रोड टू प्लस वन, रोड टू प्लस वन बना कि नहीं बना, और ये किसके इक्वल हो गया, ये रोड टू प्लस वन टू द पावर एक्स, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोड टू प्लस वन यानी कि ये वन अपॉन एक्स है, तो इसको एक्स की पावर माइनस वन भी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, रूट टू प्लस वन टू द पावर माइनस वन, ये किसके बराबर होगा, रूट टू प्लस वन टू द पावर एक्स। तो अब जैसे ही हमने देखा बेस सेम हो गए, यहाँ से आंसर क्या आया, एक्स इक्वल टू माइनस वन। और जबकि हमें इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट लिखा चुके हैं ना, और यहाँ पे बता भी दिया, ये बिल्कुल साइड में लिख लो एज ए नोट कि जब भी हमारे लॉगरिथम में अगर नंबर एंड बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, नंबर एंड बेस लिख लो इसको, वेन एवर इन ए लॉगरिथमिक नंबर एंड बेस आर रेसिप्रोकल विद ईच अदर, then it gives माइनस वन एज ए आंसर। ठीक है, जब भी हमारा नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हम आंख बंद करके बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना उस टाइम पे, तो ये अज्यूम कर लेना भगवान ने बुद्धि दी ही नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी log यानी कि इस फॉर्मेट में log n टू द पावर, ये इसका एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो नहीं माइनस वन आ जाएगा। तो ये इतनी देर से हम बताना चाह रहे हैं, ये क्या हम फाइनली रिजल्ट्स में लिखेंगे, अभी सिर्फ हम ये क्वेश्चन कर लें, हम सिर्फ क्वेश्चन से देख रहे हैं कि किस टाइप का अगर बेस और नंबर लें तो वहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे देखो, अब देखो हमें वन का यानी कि लॉग वन टू द बेस 97, यानी कि हम 97 की क्या पावर लें कि 1 मिल जाए, हम 97 की क्या पावर लें कि हमें 1 मिल जाए, तो कब मिलेगा, कुछ आइडिया आ रहा है, ये तो थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा कि हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लें तो 1 होता है कि नहीं, कितना भी बड़ा नंबर ले लो लेकिन 0 ना बिल्कुल उसे 1 पे सेटल कर देता है कि ज़्यादा फड़फड़ात मत कर, तो कितना भी बड़ा है लेकिन मैं तुझे 1 पे बैठा दूंगा। तो यहाँ पे क्या 97 बड़ा अजीब सा लगा स्टार्टिंग में देखने पर, 97 है, और जबकि हमारा ये नंबर 1 कब बनेगा, जब 97 की पावर में क्या हो जाए, 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ है वही एक्स मानो, इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 97 की पावर 0 करें तभी तो 1 मिलेगा हमें। यानी कि अब यहाँ से एक रिजल्ट क्या मिला, यानी कि कोई भी नंबर हो, यानी कि जब भी हम लॉगरिथमिक नहीं किसी भी बेस पे, यानी कि जब भी हम लॉग लेंगे वन का किसी भी बेस पे, आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 0। एक ये भी रिजल्ट देखो, हमें कितने रिजल्ट आ गए, जब नंबर और बेस सेम हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, जब नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, और जब भी नंबर में 1 आ जाएगा और बेस क्या होगा, कुछ भी हो, कोई डिसाइडेड नहीं, कुछ भी हो जो मर्जी है, सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी इसमें लिखाऊंगा मैं, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब आगे देखते हैं ये log 9√3 बेस में 1/3, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हमारा क्या है 9√3 बेस 1/3, अब इसमें क्या हम इसको अब डायरेक्टली हम आइडिया नहीं लगा पा रहे कि 1/3 की क्या पावर लें 9√3 मिल जाए, तो मैंने क्या किया, चुपके से जाके इसके कान में बोल दिया कि मैं तुझे भाई एक्स मानूंगा, तो वो भी बोला ठीक है तो मान लिया, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैंने एक्स मान लिया, तो 9√3 इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स, और 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर माइनस वन माइनस एक्स, और इसको भी क्योंकि ये 9 भी क्या है 3 के मल्टीपल है, तो इसे भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और √3 को भी मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2 इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। अब जैसे ये आया, जैसे ही अगर बेस सेम है अब उनकी पावर क्या होती हैं, सर्ट्स में पढ़ा है तुमने, जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या होगा, 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, और यह क्या हो गया, जब भी हमारे बेस इक्वल हो गए, फिर दोबारा से हम बिल्कुल खुशी के मारे चिल्ला उठे कि जैसे बेस सेम होते हैं तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आया,
कि 2 प्लस 1 बाई 2 क्या हो गया 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5 बाई 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये वाला देखते हैं, सबसे पहले अब देखो cos 45 ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन को देख के यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि cos 45 की हमें वैल्यू पता है ना। तो हमारे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2, और ये क्या है बेस में 2 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, तो मैंने क्या बोला 1 बाई रूट 2 कब मिलेगा जब 2 की पावर में x, यानी कि 2 में क्या रेज करें पावर कि हमें ये 1 बाई रूट 2 मिल जाए, तो मैंने x रेज कर दिया। अब जो भी x है वो अननोन की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 बाई 2 और 2 की पावर x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जैसे बेस सेम हो गया पावर कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से x क्या मिला हमें माइनस 1 बाई 2, बहुत ईजी है। अब ऐसे इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिख देंगे log tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 3, ये तो टेबल याद होगी ना आपको, और बेस क्या है 3। अब मैंने फिर चुपके से जाके x मान लिया, तो यहाँ से क्या होगा 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 3 की पावर x, और 1 बाई रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 की पावर x, और यहाँ से हमें क्या मिल गया x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। अब क्या है आगे इलस्ट्रेशन हम लेंगे, उससे पहले वहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दें, प्रॉपर्टीज नहीं उनकी कंडीशंस डिफाइन कर दें कि वो मीनिंगफुल क्वांटिटी। अभी तो सिर्फ लॉग 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 हम चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है अभी तो वो नहीं पढ़ी, क्योंकि जब तक हम कंडीशन नहीं पढ़ेंगे तब तक एक मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे वो। तो मीनिंगफुल क्वांटिटी बोलने के लिए उसमें जो बेस नंबर एक्सपोनेंट उन पर कुछ कंडीशंस हैं उनको पढ़ते हैं, तो तब तक ये नोट करिए। तो यहाँ पे अब देखो उतने सारे एग्जांपल देखे हमने, कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी डिड्यूस की हमने। अब इन देखो इनको वन बाय वन हम नोट डाउन करेंगे, उससे पहले मैं इनके कंडीशंस बता देता हूँ कि कब कब ये मीनिंगफुल क्वांटिटी बनेगी। लेकिन जब भी हमने ये डिफाइन किया था कि ये क्या एन क्या लिया था हमने, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लिया था, तो कहीं ना कहीं हमने चुपके से तुमको ये बता दिया कि एन हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जब n ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्वांटिटी a की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म n के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन जीरो होगी। लेकिन हम क्या लेते हैं a ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, और यहाँ पे x हमारा कुछ भी हो सकता है, x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आंसर निकाले ना x की वैल्यू क्या आई जीरो भी आई पॉजिटिव भी आई नेगेटिव भी आई, क्योंकि एक्सपोनेंट ही तो था। अगर आपको फील नहीं आ रहा तो यहाँ से इन क्वेश्चन से देख, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कि तुमको एक्चुअली वो फील आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहा जैसे हर कोई पढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो रूटीन बना हुआ है, लेकिन उनसे अलग हटके हमें कुछ सीखना भी था, इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में ना बता के मैं अभी बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब तुम्हारे सामने देखो यहाँ पे हर किसी में लॉग क्या देता है एक एक्सपोनेंट आंसर में देता है, और एक्सपोनेंट हर केस में पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है जीरो भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन निकाला कि एक्स कैन टेक एनी वैल्यू आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, एक्स कैन बी एनीथिंग, है ना। तो अब क्या है, एक तो हमारा क्या पता चल गया एन क्या होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर होना जीरो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अब इसके पीछे एक कहानी है, कहानी क्या है कि ए नॉट इक्वल टू वन क्यों होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया एक थ्री लिया, ठीक है थ्री लिया, और थ्री को मैंने बेस क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर बेस क्यों हटाया मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया बेस ए को मैंने 1 ले लिया, और 1 की पावर मैंने x। अब मैं बोल रहा हूँ x की पावर में क्या लूँ कि ये 3 मिल जाए। अब मैंने पहले दिन एक सीला आई, लड़की आई सीला नाम की, उसने बोला कि मैं x इक्वल टू 1 लूँगी, तो मैंने ठीक है ले लो भाई ये भी बात सही है ले लो। फिर उसकी फ्रेंड एक और आई एक्स वाई जेड जो भी होगी, उसने 2 लिया तब भी 1 मिला। लेकिन सबने सारे फ्रेंडों ने मिलकर पूरे हॉस्टल में ये बात फैल गई कि 3 इक्वल टू 1 की पावर x करना है, लेकिन सबने ट्राई किया कभी इक्वल हो ही नहीं पाया वो, क्योंकि 1 की पावर तो 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो कुछ भी रखो 10,000 रखो 1 करोड़ रखो कुछ भी रखो, क्या ये 3 के इक्वल हो पाएगा? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा ना,
क्योंकि अब 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो या क्या 3 के इक्वल हो पाएगा कभी? नहीं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, बेस में से 1 को हटा दिया, क्योंकि हम बेस की पावर कुछ भी करें हमें 3 नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेस में से हटाया। अब यहाँ पे एक ये रखा ए ग्रेटर देन 0, इसका भी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा ना कि ये ग्रेटर देन 0 क्यों है। एक तो नॉर्मल कॉमन सेंस क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अब हम इसका लॉजिक दे रहे हैं, देखो अगर मैं 2 की पावर क्या लूँ, 2 लूँ तो 4 मिल रहा है। वहीं पर अगर मैंने ये क्या है, मैंने क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने क्या -2 ले लिया, ठीक है, मैंने पावर 2 लिया 4 आया, मैंने -2 की पावर 3 लिया कितना आया -8 आया, इट मेक्स सेंस, आएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने -2 की पावर 4 लिया तो कितना आया, 16 आया। इसका मतलब इसकी पावर हम लेते जा रहे हैं तो कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ी सी फड़फड़ाहट होगी, क्या मैंने -2 की पावर जैसे ही हाफ लिया, अब बताओ ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट -2। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, लेकिन अब ये क्या अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ गई ना, बस फिर तो हमारी दिक्कत चालू हो गई। अब जैसे ही ऐसी दिक्कत चालू हो गई, इसका मतलब क्या, ये डिफाइन नहीं होगा। इसी टाइम पर एक आयोटा नाम के इंसान ने क्या लिया, जन्म लिया, कि नहीं भाई वो तो बिल्कुल सेंटी हो गया, बिल्कुल दिल पर ले लिया उसने ये बात कि नहीं मैंने तो अंडर रूट -2 को डिफाइन करूँगा, और उसने इसको क्या लिख दिया, 2 आयोटा। यानी कि क्या हुआ, जब भी बेस नेगेटिव है, जब भी बेस नेगेटिव है और उसकी पावर में 1/2 इस टाइप से होगा, तो हमारा क्या ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, डिफाइन नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि इसके पावर में देखो ऐसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये कुछ कुछ आंसर आते जा रहे हैं। जब भी हमारा बेस नेगेटिव हुआ तुरंत क्या आ गया, ये जैसे ही हमने 1 जो इसकी पावर है 1 से छोटी ली, 1/2 ली इवन पावर, तो अंडर रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आज यहाँ पे ये दिक्कत कर गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रियल नंबर था ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं मिला ना, अब तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब जब भी हमारा बेस नेगेटिव होगा, कभी कभी तो काम करेगा, क्योंकि जैसे -2 लिया इवन पावर हुआ तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ऑड पावर हुआ तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, जो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। यानी कि इवन पावर के केस में थोड़ी सी हमें शांति रहेगी, लेकिन जब भी इस टाइप का कोई केस बनेगा तो फिर दोबारा से हमें फड़फड़ाहट होगी। इसका मतलब ये जो ए ग्रेटर देन 0 या बेस नेगेटिव ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या है, सारा लफड़ाई ख़त्म करो, लफड़ाई ख़त्म कर दिया। तो इसने क्या बोला, इसने ए ग्रेटर देन 0 लो सर, फिर तो अब ए पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव हो गया, फिर तो उसकी पावर कुछ भी चढ़ाओ, फिर जैसे हमने क्या बेस अब 2 ले लिया, अब 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहे फ्रैक्शन में लो, 1/3 लो, 1/4 लो, √2 लो, या 1/2 लो, कुछ भी ले लो, अब तो कोई भी फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल में ले लो, हमेशा क्या मिलेगा, ये 2 की पावर हमने कुछ भी ले लिया x, एनीथिंग, पॉजिटिव ले ले चाहे, नेगेटिव ले ले या 0 ले ले, कुछ भी ले लो, हमें क्या पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या है, a को ग्रेटर देन 0 रखा, और a को क्यों हटाया वो भी मैंने बताया यहाँ पे, और n ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो तो लेके ही चले हम, है कि नहीं। अभी इसका पता चल गया ना, n इक्वल टू a की पावर x कब डिफाइन होगा, अब पता चल गया। अब वही चीज़, अब देखो, अब ये तीनों डिफाइन होने चाहिए, अब यही चीज़ तो इसमें यूज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, n हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x कैन टेक एनी वैल्यूज नाउ। अब इतनी देर हम सब बकवक करने के बाद अब हमें पता चला कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी ये क्या लॉग हमारा मीनिंगफुल क्वांटिटी बनेगा, अदरवाइज तो ये वैसे एक ऑपरेटर है, जब तक काम कर रहा है और जहाँ धोखा देगा फिर दे जाएगा, लेकिन जब ये कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तो ये हमें कभी धोखा नहीं देगा। इसका मतलब दिस बिकम्स ए मीनिंगफुल क्वांटिटी व्हेन दीज 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसी में।
तो अभी हमने ये डिफाइन कर दिया था इसके कंडीशंस क्या हैं, तो बिल्कुल जो भी ये कंडीशन है बिल्कुल इसे अपने खोपड़ी में, दिल में, सांसों में, सब जगह बिठा लो बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम लॉग के क्वेश्चन करेंगे तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, जैसे लॉग का क्वेश्चन दिखाई देना तुरंत आपको ये चमकना चाहिए, यानी कि आपको कोई 3 बजे भी उठा देना तुरंत लॉग के कंडीशन बग दो, एन ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू 1, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया, हमने पहले भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले ले रहे थे, है ना। अब जो उनसे रिजल्ट डिड्यूस हुआ उनको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा, उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में वो रिजल्ट्स लिखाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको एक्स मान लिया चुपके से जाके, वो हमेशा पहले से ही हम चुपके से जाके चुपचाप एक्स मान लेते हैं क्योंकि इसे इजी होता है। तो मैंने क्या किया, इसे n इक्वल टू ए की पावर x फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमें ये 1728 नंबर कम मिलेगा कि 2 की पावर, 2√3 की पावर में क्या पावर रेज करें, यानी 2√3 जो ये बेस है इसके पावर में क्या रेज करें, 1728 मिल जाए, यानी कि n इक्वल टू ए की पावर, n क्या है यहाँ पे 1728, ए क्या है 2√3, यानी कि 1728 हमें कम मिलेगा कि हम 2√3 की पावर में क्या लेके जाएं कि हमें ये मिल जाए, ये तो हम पूछ रहे हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है मैंने ये लिखा। और इसको एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है 1728, तो मैंने फैक्टराइज किया 2 8 16, 6 4 4 3 2, 2 16 2 108 54 27, 3 की पावर 3 यही आएगा 1 2 3 4 5 6, वही मैंने लिखा है। एंड ये क्या है हमारा 27, 3 की पावर 3 लिख देते हैं इसको, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, और ये क्या होगा 2√3 की पावर x, ठीक है। मैंने क्या किया अल्टीमेटली मैं खोज क्या रहा हूँ, मैंने 2 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये क्या है जो राइट हैंड साइड है ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रही थी पैरेलली। जैसे मेरे देखो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले फोकस इस पे किया, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, बेस ही तो सेम कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी एक नज़र कहाँ है, बेस पे, और बाद में मेरी नज़र किस पे जा रही है, नंबर पे। तो एक्चुअली क्या मैं हर किसी क्वेश्चन में बेस सेम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको 2 और 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6, अभी भी ये सेम ही है जो ओपन नंबर लिखा है, अभी भी तो यही सेम नंबर लिखा है, इसको इक्वल टू क्या लिखा है 2√3 की पावर x। इसका मतलब क्या है, मैं इसे ओवरऑल लिख सकता हूँ 2√3 की होल पावर 6 इक्वल टू 2√3 की पावर 6। ओए होए होए, देखो 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 कि यहाँ पे क्या है 2√3, इधर भी क्या है 2√3। अब तुम्हारा बेस सेम हो गया, अब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ही हमें बेस चेंज, जैसे ही हमारा बेस सेम हो गया हम खुशी के मारे पागल हो गए, और यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, क्योंकि अब तो पावर कंपेयर कर सकते हैं ना हम, कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अल्टीमेटली, x इक्वल टू 6 आएगी। अब सेम मैनर से यहाँ पर क्या है, इसको भी मैंने x मान लिया, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या है बेस में भी क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और नंबर में भी क्या है, आर्गुमेंट में भी क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये टेन 40 डिग्री और ये कॉट 50 डिग्री है। अब तुमको एक बचपन में एक 10th क्लास में एक टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा कुछ पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा आपको याद होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 90 माइनस थीटा, थीटा क्या एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो उसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, और वहीं कॉट 90 माइनस थीटा को 10 थीटा बोलते हैं। अब जैसे ही हमारे दिमाग में ये स्ट्रैक कर गया तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर लें, अगर एक कन्वर्ट हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉट 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री पावर में x, ठीक है। अब जैसे ये देखा, अब मैंने इसे क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस 40 डिग्री
क्योंकि अभी भी तो इतना ही है, कॉट 45, कॉट 50 डिग्री तो लिखा है अभी भी, और टेन 40 डिग्री की पावर एक्स। अब जैसे मैंने ये लिखा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, यानी कि टेन 40 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, टेन 40 डिग्री टू द पावर एक्स। और जैसे ही अब यहाँ पे क्या हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया, अब ये टेन 40 डिग्री अल्टीमेटली इसकी पावर वन है, तो यहाँ से जब ऐसे ही हमने देखा बेस सेम हो गया तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिला वन। और जबकि स्टार्टिंग में बहुत डरावना लग रहा था कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे पता नहीं कैसे करेंगे, हमें इतना पता लगाया टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो उसी से हमारे ये निकल गया। इसको नोट करो, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, हमारे फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए, अब हम किस पे आ गए, थर्ड वाले पे। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग 0.4 बार बेस 2.5। अब हमें सबसे देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो आर्गुमेंट में कुछ फिक्स नंबर थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक या बार का मतलब क्या है, फोर रिपीटिंग एन टाइम्स, एन टाइम ने इन्फिनिटी टाइम्स, हमें नहीं पता कितने टाइम्स, तो इसको क्या माना कि ये अब ये वाली जो चीज़ है वो हमें दिक्कत कर रही है। सबसे पहले जो चीज़ दिक्कत कर रही है सबसे पहले उसी की टांग खींचो ना, तो जैसे ही ये हमें पता चला ये दिक्कत कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको अलग से लिया खोपचे में जाके और इसको क्या लिख दिया, x इक्वल टू 0.4 बार साइड में लेके गया, और मैंने इसे कैलकुलेटर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यही दिक्कत कर रहा है। अगर इससे हमने बिल्कुल अपना पंगा सॉल्व कर लिया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.44444 अप टू इन्फिनिट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा एट्थ नाइन्थ में, कि अगर जब भी इस टाइप का नंबर हो और उसे रेशनल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा है हमने, जब इस टाइप से एक्स इक्वल टू 0.4444 इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया, फिर इसको क्या एक अंक बाद दशमलव है, पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है ना, तो इसमें क्या करते थे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये फिर 4.44444 इनफाइनाइट टाइम्स, इसको हम दो सेकंड इक्वेशन नाम दिया, इस टाइप से कुछ करते थे ना। अब इसमें से फिर क्या करते थे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, अब इक्वेशन टू में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर क्या बचा 9x, और इधर क्या बचा 4, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 4y9, यानी कि 0x इक्वल टू 0.4 बार है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 बार को लिख सकते हैं x इक्वल टू 4y9, यानी कि दिस इज द रेशनल फॉर्म ऑफ इसकी, x इक्वल टू 0.4 बार की रेशनल फॉर्म क्या है 4y9, यानी कि इस वाले इतनी जो हमें एन टाइम्स जो रिपीट कर रहा था, मतलब इन्फाइनाइट टाइम्स जो रिपीट कर रहा था, उस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं 4y9। अब तो ये बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल इज्जत वाला नंबर आ गया। अब जैसे ये साफ सुथरा नंबर आया तुरंत हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब इसका मतलब हम कुछ सही रास्ते पे हैं, तो मैंने इसको यहाँ से क्या लिख दिया, यानी कि लॉग, अब 0.4 बार को क्या लिख सकता हूँ 4y9, और इसको क्या 2.25 लिख दिया। अब मैंने चुपके से जाके फिर एक वेरिएबल नाम दे दिया, अब तो इसको जैसे नॉर्मली बाकी सब सॉल्व कर रहे हैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया कि ये नंबर हमें 4/9 कब मिलेगा कि 2.25 की पावर क्या लूँ कि 4/9 मिल जाए, यानी कि हम n इक्वल टू की पावर x की फॉर्म में, तो n क्या है यहाँ 4/9, तो यानी कि n इक्वल टू की पावर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ 4/9 किसके बराबर है 2.25 टू द पावर y, ठीक है ना। अब मैंने देखो 9 से 4 को डिवाइड किया, जैसे ही 9 से 4 को डिवाइड करूँगा तो कितना, अगर डेसिमल लगाऊंगा तो 40 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 यानी कि 0.44 समथिंग 0.4 समथिंग आएगा, लेकिन इधर बेस में क्या है 2.25, हमें तो अल्टीमेटली इस बेस तक पहुँचना है ना जिससे पावर कंपेयर से कर सकें। जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया तो मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इसे रेसिप्रोकल करके देखें, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/4/9 लिया, इसे ऐसे करके लिख लो,
ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो नेल इक्वल टू 2.2 की पावर वाई। अब देखो, अब इसको 4 से 9 को डिवाइड करके देखो कितना आता है, 2.25। तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे थे, तो हमारा काम बन गया और यही हम चाह रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 2.25 to the power -1, 2.25 to the power y। इसका मतलब हम इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हमें तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। आंसर क्या आना चाहिए, -1, और वही यहाँ से आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -1। y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, -1। और जो हम y तो लेके एज्यूम किया था इसको, तो इसके इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। आंसर -1। तो ये हमारा क्वाइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तब तक ये नोट करो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 5 + √6, बेस में है √2 + √3। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या चुपके से जाके फिर x मान लिया, क्योंकि प्रोसीजर वही है, मैं बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ। इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव क्या है, कि मैं इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुमको एक आइडिया लग जाए कि बस हाँ कि इसका प्रोसीजर तो इस टाइप से करना ही करना है, इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। मैं एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन उसी से, ये रूट अब ये अंडर रूट में है, अब ये रूट वगैरह में जहाँ पे भी अंडर रूट वगैरह आते हैं तो एक तरीके से ये पूरे समाज को ख़राब कर देते हैं, डिफ़िकल्टी ये पैदा करते हैं। तो इसी को रूट, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, मैंने क्या एक x मान लिया, जैसे x माना तो मैंने n इक्वल टू a की पावर x फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया, तो हमारा n क्या है, 5 + √6, और हमने क्या √2 + √3 की पावर x। अब देखो, अब हमारे सामने यहाँ पे दिक्कत क्या आई, यहाँ पे दिक्कत आएगी कि यहाँ पे 5 + √6 को कैसे भी करके √2 + √3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। इतना तो पता चल गया कि ये दो टर्म तो आएंगे ही आएंगे इसमें, तो यहाँ पे मेरे को 2 का फैक्टर दिखा। अब तो मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a+, मेरे मास्टर ने मुझको पढ़ाई थी ये आइडेंटिटी, तुमको भी पढ़ाई होगी किसी ने, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखो, जो ये फैक्टर है 2, यहाँ पे भी इस टाइप का एक फैक्टर आ रहा है, यानी कि इन ऐसी 2 क्वांटिटी होंगी, उनका सम क्या आ रहा होगा, 5। अब क्योंकि ये क्या है, इन दो जो ये a है और b का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है ab, यानी कि √2 × √3 का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है √6। इसका मतलब ये डेफिनेटली √2 + √3 का स्क्वायर है। आया कुछ लाइन ऑफ थिंकिंग, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पर √6 बना, 2 का फैक्टर भी दिखा, तो इसका मतलब यही आइडेंटिटी लगी होगी उसमें, यानी कि मेरे यहाँ से क्या मिला, 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तुम ये ओपन करोगे तो 5 + √6 ही बनेगा, और यह किसके बराबर है, √2 + √3 की पावर x, है कि नहीं। अब जैसे ही देखा हमने, वही फिर दोबारा से हम खुशी के मारे पागल हो गए कि इधर भी हमारा बेस और इधर भी हमारा बेस दोनों सेम हो गए, तो अब पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिला, 2। आंसर बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई मतलब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, log 4 base 2, और इसका बेस 2। अब देखो, अब ये थोड़ा सा तुमको ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, और जबकि डिफरेंट कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना है कि लॉग के जहाँ पे नंबर आना चाहिए वहाँ नंबर की जगह लॉग इटसेल्फ आ गया। अब वही हमारा प्रोसीजर है क्या, चुपके से जाओ और उसके लॉग के कान में बोल दो कि हम बेटा हम तुमको एक्स ही मानेंगे, चाहे कुछ भी आ जाओ तुम लेके। तो हमने क्या एक्स ही माना, और जैसे ही x माना तो ये तुरंत लाइन पे आ गया, इसका मतलब इसने नब्ज पकड़ ली है ना। तो मैंने क्या कहा, log 4 base 2, यानी कि नंबर का काम कर रहा था n का, तो n को एक n इक्वल टू 1 की पावर x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 की पावर x।
बेस 2 ही है, हाँ 2 की पावर x, ठीक है ना। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ से 4 अगेन वो नॉर्मल, क्योंकि अब ये log जो log है ये 2 की पावर x के इक्वल है, यानी कि 4 कब मिलेगा जो ये इधर एक्सपोनेंट है इसके पावर में चले जाए, यानी 4 इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 पावर x, यानी कि 4 की पावर x है अल्टीमेटली। और इधर क्या है 4, यानी कि 4 इक्वल टू, अब मतलब जहाँ पे log था अंदर में हो गया ना सिंप्लीफाई, अब जैसे ही हमारे बेस सेम हो गए तो यहाँ से आंसर क्या आया x इक्वल टू 1, बिल्कुल हम बिल्कुल हैप्पी हो गए बिल्कुल भाई, कि हमारा क्या बिल्कुल एक सेट ऑफ प्रोसीजर से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इन क्वेश्चंस के बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा जो अभी जितने भी एग्जांपल करे हमने, जितने भी एग्जांपल किए इन सबसे मैं कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तब तक ये नोट करो। अब देखो, अब जितने भी हमने एग्जाम्पल किए, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा, जो हमने छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखे थे, एक तो जब भी हमारा नंबर और बेस सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था ना, जब भी हमारा नंबर और बेस सेम हो जा रहा है तो इसका आंसर क्या आ रहा था, हमारा 1 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, लिख लो ऐसे, नोट डाउन करो, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज 1, यानी कि जब भी हमारा नंबर और बेस सेम हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। सेकंड पॉइंट, लॉग एन टू द बेस 1/n, यानी कि जब भी हमारे दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा -1। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, दैट इज लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल। यानी कि जब भी हमारा नंबर और आर्गुमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इसके भी मैंने कई सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताया इसमें, तो जब भी इस टाइप से होगा तो आंसर क्या आएगा -1। थर्ड, हमने क्या पढ़ा था, लॉग 1 और किसी भी बेस पे, एक क्या है हमारा एनी बेस, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिर्फ क्या होनी चाहिए ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसको छोड़ के हमारा ये होना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, और जब भी हमारा किसी में 1 नंबर 1 का लॉग लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है हमारा 0, इसको भी नोट डाउन कर लो, दैट इज लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0, यानी कि हम यूनिटी का, यूनिटी मीन्स 1 का लॉग लें किसी भी बेस पे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और छोटी छोटी दो टर्म है, एक है कॉमन लॉगरिथम, अब ये क्या होता है इसको भी नोट डाउन कर लो, द लॉगरिथम बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, लॉग एक्स ऑलवेज
refers to base 10, that is log x equal to log x base 10. यानी कि इसमें क्या बोला है, log common logarithm किसको बोलते हैं, कोई भी log जिसका base 10 हो, कोई भी log जिसका base 10 हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक. अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं बोल देना कि अनडिफाइंड हो गया, ये अंडरस्टूड है. अगर किसी के भी लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ बेस क्या होगा, 10. ये 10 अंडरस्टूड है. क्यों, हमारी जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो सब बेस 10 पर चलती हैं. जैसे मैं कि नॉर्मली कितना करूँ, एक यहाँ पर देखो आप, एक रफ में मैंने क्या 35 × 6 किया. आप क्या करते हो, 6 × 5 = 30 कैरी किया लिया 3. हम ये किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, 10 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जैसे 30 आया, 30 को हमने 10 से डिवाइड किया, 10 से जैसे डिवाइड करे 3 टाइम्स और इसे रिमाइंडर क्या 0, 0 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना. फिर कितना 6 × 3 = 18 और 18 हम कैरी कितना लिया 3 और 18 और 3 कितना हो गया 210. अब वहीं पर एक आपको एक बहुत ही खास चीज़ बताता हूँ, अगर वहीं पर 35 × 6 करना है मुझे और मैंने क्या अब यहाँ पे क्या ये बेस 10 पे चल रहा था, अगर मैं यहाँ पे बेस 8 ले लूँ, सब बेहोश होकर गिर जाएंगे, क्योंकि आज तक सबने क्या है ये कैरी पढ़ा है 10 के रेस्पेक्ट में, आज मैंने किसके रेस्पेक्ट में ले लिया 8. अब क्या करोगे, 6 × 5 = 30 अब कैरी 3 नहीं ले सकते, अब कैरी 3 नहीं ले सकते. अब क्या करेंगे, अब हमें जैसे हमें 30 को डिवाइड किया था ना, 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे 30, क्योंकि ये भी जो मैंने बताया है ना ये किसी को भी नहीं पता होता, किसी भी स्टूडेंट से पूछो उसको पता ही नहीं होता, वो तब के हाँ 10 के रेस्पेक्ट में हाँ लेते हैं, बचपन से सीखा है ये तो, क्योंकि ये कोई जादू थोड़ना है भाई, मैथ में तो हर चीज़ का लॉजिक होता है ना. तो ये क्या है, बेस 10 के बचपन से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना. तो आज मैंने क्या ऐसे यानी कि ऐसे डिवाइड करके ऐसे सब कुछ चलता है ऐसे मैकेनिज्म. अगर वहीं पे 8 ले लें तो सेम मैकेनिज्म, तो 8 × 3 क्या होगा 24, यानी कि रिमाइंडर क्या है 6. मैंने 6 लिखा यहाँ पे, 6 लिखा, कैरी कितना गया 3. अब 6 × 3 = 18, 18 और 3 कितना आया, यानी कि अगर बेस पर लें तो 216, आंसर ही चेंज हो गया. यानी कि जैसे अभी तुमने थोड़ा थोड़ा सुना होगा 0101 कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि जो और एक होती है ऑक्टल डेसिमल, जिसमें कितने ये यूज होते हैं 0 1 2 से अप टू 8 तक होते हैं, क्योंकि डेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं, ऑक्टल में 0 से 8 और हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक, 0 से 9 तक ऐसा होंगे और फिर 10 से ABCD और 15 को क्या लिखते हैं F. तो ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम पढ़ते हो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है वो इसके थ्रू ही करती है, 0 और 1 और हेक्साडेसिमल, यानी कि इनके भी बेस हैं. ये बाइनरी का बेस कितना हुआ 2, ऑक्टल का कितना होता है 8 और इसका हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16. ऐसे ही हमारा डेसिमल है, इसका बेस कितना है 10. तो इसलिए हमारी पूरी जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की किस पर चलती है, बेस 10 पे, इसलिए वो अंडरस्टूड है. इसलिए यहाँ पे अगर हम बेस 10 नहीं लिख रहे ना तो हम अर्थमेटिक में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, वो बेस 10 ही है, वो गलत नहीं है. अब चलते हैं 5th पॉइंट, नेचुरल लॉगरिथम. इसको क्या हुआ, देखो इसको, द लॉगरिथम बेस ए इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, LnX, यानी कि LnX को ही हम क्या बोलते हैं, लॉग एक्स और बेस ए. और अब यहां पे देखो जो ये बेस ए नजर आ रहा है ना ये वाला, इसका बहुत ही खास इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.178. इसको हम ज़्यादातर फिजिक्स में यूज करते हैं, नेपियर कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़ोगे. बाकी यहाँ पे जो LnX है, ये जो LnX है ये मेजरली किस में यूज होता है, K
कैलकुलस में यूज करते हैं मैक्सिमम ln x को, और नॉर्मली हम किसको कॉमन लॉगरिथम को यूज करते हैं, और ln x को किस में यूज करते हैं, कैलकुलस में मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस, यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लॉगरिथम एज इन दिस केस, क्योंकि ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था तुमको, जैसे मैंने क्या लिखा, लॉग एन किसी भी नंबर का लॉग लें, कितना बेस कितना ले लिया, वन, और मैंने सपोज करो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी आएगी। अब इसमें क्या कहा है, यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड यू फ्रॉम द बेस, क्योंकि हम बेस में से यूनिटी को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके हटा के चलेंगे, क्यों, उसका रीजन है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी भी नंबर एन का वन के वन बेस वन पर लॉग लिया, तो मैंने मुझे नहीं पता क्या आएगा आंसर, मैंने एक्स मान लिया, तो ये इसको n इक्वल टू ए की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 1 की पावर x, वही अब 1 की पावर, अब 1 की पावर में x कुछ भी वैल्यू लो, 1 2 3 x की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो n नहीं आ पाएगा कभी भी, तो इसका मतलब क्या है, ये कभी भी इसके इक्वल होगा नहीं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, अगर ऐसे हो जाए, नंबर भी वन हो जाए और बेस भी वन हो जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो, अब तुम तुरंत चिल्ला उठोगे कि इसका आंसर वन, जबकि ये क्या है, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अब तुमने यहाँ पे अभी देखोगे, सर आपने तो अभी ये बोला था कि ये लॉग एन बेस एन, यानी कि जब भी नंबर और बेस इक्वल हो जाता है तो आंसर क्या आता है, वन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी तो देखो तुम, क्योंकि हमें क्या यूनिटी एक्सक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि सपोज करो मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तुम कैलकुलेट करके देखो ना, हमारी बात पर विश्वास मत करो, तुम कैलकुलेट करो। तो मैंने कैलकुलेट करने गया, मैंने x माना चुपके से, जैसे x माना तो मैंने क्या करा, 1 इक्वल टू 1 की पावर x, 1 इक्वल टू 1 की पावर x, अब मैं x की वैल्यू अब रखना स्टार्ट करो, तुम 1 रखोगे तो भी 1, 1 इक्वल टू 1, 2 रखोगे तो भी क्या आएगा, 1, कितनी भी बड़ी वैल्यू रखो, 10,000 रखो तो भी 1, इन्फिनिटी रखो तो भी 1, क्योंकि एग्जैक्ट 1 है, तो ये 1 इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब कितने आंसर आ रहे हैं, एक्स कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, इनका इसका मतलब एक्स कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, एक्स कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने क्या हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हम जो यहाँ पर जैसे स्टेप से था लॉग 25 ये 5 तो हमें 2 आंसर में मिल रहा था, हमने क्या डिफाइन किया था कि 25 हमें कैसे मिलेगा, यानी बेस की पावर में क्या रेज करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, एक यूनिक ही तो आंसर आ रहा था उसमें, लेकिन इसमें क्या, इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू ले ली उसने एक्स ने, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था, यूनिक, लेकिन इसमें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसलिए यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब ये नोट करो, कितने 6 पॉइंट हो गए, तो ये कौन सा है, 7th पॉइंट। अब 7th पॉइंट क्या बोलता है, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स हैव नो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें बोला 0 एंड नेगेटिव नंबर्स हैव नो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने क्या कहा था, कोई भी जैसे मैंने क्या रहा लॉग एन बेस ए एक्स, इस फॉर्मेट में हम एन इक्वल टू ए की पावर एक्स को रिप्रेजेंट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर एन क्या होता है ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, अब हमने वही चीज़ लिखा है 0 एंड नेगेटिव नंबर्स हैव
नो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब जब भी हमारा यहाँ आर्गुमेंट में और बेस में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया, कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया या कोई जीरो आ गया, तो हमारा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा लॉग जीरो टू द बेस ए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो तो आना ही नहीं चाहिए ना। जीरो पे क्या है, आगे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब भी हम जीरो को अप्रोच करते हैं तो लॉग इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, वो लॉगरिथमिक इनक्वालिटी में जब हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे तब समझेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये सिर्फ ये सीखो कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। वहीं पे लॉ माइनस थ्री बेस ए लिया, नेगेटिव नंबर्स पे हमारा क्या लॉग डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि हमारा क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर ही एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बराबर होता है। यहाँ पे तो नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो नेगेटिव होते ही नहीं है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। वहीं पर एक और एक्सप्रेशन है लॉग, यहाँ पर मैंने x ले लिया कोई भी और यहाँ बेस में माइनस टेन ले लिया, क्योंकि ये तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, नेगेटिव हो गया, और जबकि बेस हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस टू हमने लिया था, उसकी पावर हमने देख रहे थे, तो कहीं कहीं वैलिड हो रहा था, कहीं कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए तो हमने बेस में से हटाया नेगेटिव नंबर। इसका मतलब जब भी इस टाइप का केस होगा तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक चीज़ मेरे अंदर से निकल रही है, मैं चाह रहा हूँ उसको बताऊँ, ये क्या है, लॉग जीरो बेस ए, हमें क्या, नॉट डिफाइंड। बट रिमेंबर हम क्या है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह आगे भी कैलकुलस में हेल्प करेगी। जैसे क्या है, लॉग जीरो बेस ए, बेस ए मैंने क्या 10 ले लिया, ठीक है। अब जब भी जीरो का लॉग लेते हैं तो ये किसको अप्रोच करता है, माइनस इन्फिनिटी को, और जब भी हमें जीरो कब मिलेगा, जब जीरो किसके बराबर हो, 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी, होता है कि नहीं होता है। यानी कि जो 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी है, मैं उसे ये लिख सकता हूँ 10 की पावर इन्फिनिटी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और 1 अपॉन 10 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी। और जब 1 को किसी एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो, है ना। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैं एक रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो क्या है, अगर मैं ए की पावर इन्फिनिटी लिखूँ, ए की पावर इन्फिनिटी लिखूँ, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या आएगा। देखो इसके कितने केस बनेंगे, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 1 हो जाए, ए ग्रेटर देन 1 हो जाए, अब देखो उससे पहले एक मिनट यहाँ पे ये नोट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे इसके तीन केस बनेंगे, उससे पहले मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, जिससे तुम्हें फील आ जाए कि ये केस कैसे डिफाइन हुए। तो एक बार ये नोट करो, ये इससे पहले मैं इसके तीनों जो इसके केस बनेंगे उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने क्या 2 नंबर लिया, इसकी पावर मैंने इन्फिनिटी ली। अब कैसे, जैसे मैंने अब इन्फिनिटी लेने से पहले 1 लिया तो ये 2 आया, मैंने 2 की पावर 2 लिया, 4 आया, मतलब बढ़ रही है ना वैल्यू। वहीं पर 2 की पावर 10 लिया, 1024 आया, अभी भी और बढ़ी। अब मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 100 रखा, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अब मैंने लिखा 2 की पावर इन्फिनिटी, तो कुछ इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कि जब भी नंबर इस टाइप से है, 2 है तो बहुत बड़ी, वहीं पर अगर 3 लें तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो कि 2 की पावर इन्फिनिटी से तो काफ़ी बड़ा होगा ना, क्योंकि देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 10 कितना, 104, और वहीं पर 2 की पावर 3 लेता कितना, 8 आ रहा है, और 3 की पावर 3 लेता कितना आ रहा है, 27, कितना, ऐसे तो बहुत तेज बढ़ रहा है ना ये, क्योंकि ये सिर्फ 3 पावर ले रहे हैं तो 8 पर पहुंचा, और ये 3 पावर लिया तो 27 पर पहुंचा। यानी कि जब 3 की पावर इन्फिनिटी लेंगे
तो 3 की पावर इन्फिनिटी, तो इससे 2 की पावर इन्फिनिटी से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब वहीं पे मैंने बेस क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। यानी कि जब भी हम 1 की पावर 1 रखें तो भी 1, 1 की पावर 2 रखें तो भी 1, 1 की पावर 100 रखें तो भी 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी रखें तो भी 1। इस पर यह तो बिल्कुल ढीट है, बिल्कुल कोई बात सुनता ही नहीं है। ये फाइनली कहाँ रुकता है आके, 1 पे। 1 की पावर चाहे हम कुछ भी लें, हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा, हमारे ये 1 पे ही आके रुकता है। एक बात पता चल गई, इसका मतलब जैसे ही नंबर 1 से बड़ा लेते हैं तो वो बड़ा होता जाता है, और इक्वल टू 1 लेते हैं तो बिल्कुल 1 पार्ट का रहता है। अब ऑब्जर्व करते हैं, अगर 1 से छोटा कोई नंबर लें तो क्या होता है। तो मैंने क्या लिया, 1 से छोटा लिया 1/2, इसकी पावर 1 लिया तो 1/2। अब मैंने 1/2 की पावर 2 लिया 1/4, ऐसे 1/2 की पावर 5 लिया 1/32। यानी कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे न्यूमिनेटर में ये अभी 1 से बड़ा था तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी, अभी क्या है ये 1 से छोटा है तो अभी डिनोमिनेटर में बढ़ती जा रही है। वहीं पे अगर 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो 1/∞ हो जाएगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 0 को अप्रोच करेगा ना, डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाए और न्यूमिनेटर में 1 पड़ा है तो 0 को अप्रोच करेगा ना ये। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या देखा, यानी कि जब हमारा a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आगे जाके अभी तो हमें दिक्कत हो सकती है लेकिन आगे जाके कैलकुलस लिमिट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब वहीं पे ए इक्वल टू 1 ले लिया, क्या हो गया हमारे ए 1 आ गया, और ए लेस देन 1 ले लिया तो हमारा किस क्या आएगा, 0। तो एन पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया, इसे नोट करो, नोट कर लो इसको। तो अब इसी कंटिन्यूएशन में हम एक 2 पॉइंट और देखते हैं। अब किस पे आ गए हम, 8 नंबर। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर a की पावर log n बेस a तो हमें क्या आंसर में क्या मिलता है, n। यहाँ पे हमारा क्या है, n ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये अब देखो, ये अब आइडेंटिफाई कब करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी। अब यहाँ से एक देखो, हमारा आंसर में क्या मिल रहा है, n। मैंने क्या लिखा, log n बेस a, और ये किसके पावर में है, ए के पावर में है, यानी कि ये जो पावर है इसके लिए तो बेस ए है और लॉग का बेस ये है, यानी कि जब हमारा ये नीचे वाला बेस और लॉग का बेस ये दोनों सेम हो जाएं तो हम आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं, हमें आंसर क्या होगा, जो यहाँ पे बैठा नंबर होगा वही आंसर में आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जब भी हमारा नीचे वाला बेस लॉग के बेस के बराबर हो गया तो जो यहाँ पे नंबर n बैठा है वही आंसर में आ जाता है, ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या कहता है, जैसे हमने कहा n इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, n इक्वल टू a की पावर x है। अब इसे मैंने लॉगरिथम में फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉग n बेस से, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने शुरुआत से पढ़ी है ये दोनों फॉर्म, तो इन्हीं से तो शुरुआत की थी तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि अब मैं यहाँ पर देखो कुछ चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि देखो हम इनिशियली में ये लिखा, हमने यहाँ पर पहुँच गए। अब जो ये एक्स की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, ए टू द पावर लॉग एन बी सी, ये आ गया। और ये कुछ स्टेप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वही तो n है, ये इसका प्रूफ हो गया, इसका मतलब हैंस प्रूफ। प्रॉपर्टी क्या है, देखो वहीं पे गोल गोल घुमा रहे हैं कुछ, ऐसा स्पेशल लॉजिक है नहीं,
वहीं पे वहीं घुमा रहे हैं यहाँ से, ये n इक्वल टू एक पावर x थी, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x की वैल्यू मिल गई, और इस x को फिर वापस उसी में जाकर डाल दिया, तभी तो ये नंबर मिल रहा है। सेम n, n से शुरुआत किया, फाइनली n मिल गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम कब लगाएंगे, जब भी हमारा नीचे वाला बेस और लॉग का बेस सेम हो जाएगा, तो ये जो लॉग के आर्गुमेंट में जो नंबर बैठा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नोट करो। अब छोटे छोटे दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने 2 की पावर log 5 बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो नीचे वाला बेस क्या है 2, log का बेस क्या है 2, अब ये दोनों क्या हो गए, सेम। और जैसे ही सेम हो गए तो हमारा आंसर क्या होगा, जो ये आन नंबर में बैठा होता है log के, वही हमारा क्या आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या मिल गया, 5। कोई दिमाग लगाना पड़ा इसमें नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने क्या 3 की पावर में लिया 7 बेस 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दोबारा से हमने देखा, नीचे वाला बेस और ये लॉग का बेस दोनों सेम हो गए। जैसे सेम हुए इसको, इसका मतलब ये दोनों जैसे सेम हुए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि जो यहाँ पे बैठा नंबर है वही तो यहाँ पर आ जाता है। और दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम इसको और इसको इंटरचेंज कर दें। इधर आके खोपचे में आके देखते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जहाँ पर ए है वहाँ पर एन लेके आ गया मैं, और जहाँ पर n था वहाँ a चला गया। और जब हमें पता है कि जब हमारा बेस और नंबर इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि n की पावर 1, तो ये क्या हो गया n। ऐसे भी तो सोच सकते हैं, जैसा तुम्हें इजी लगे वैसे सोचो। ऐसे इसमें आंसर में देखो 2, अब मैंने क्या लिखा 2 की पावर log 5 बेस 2, अब मैंने क्या किया, इस 5 को और 2 को इंटरचेंज किया, तो यानी कि 2 की जगह 5 आ गया log 2 बेस 2, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों सेम हुए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, तो यहाँ से क्या हो गया, 5। ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो ऐसे सोच लो इन दोनों को ट्रिक याद रखो, या फिर ऐसे सोच लो। अल्टीमेटली तो डेस्टिनेशन पॉइंट तो एक ही है, आंसर तो हमारा आ ही रहा है ना, कोई इसमें लॉजिक में गड़बड़ी भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब चल आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट बोलता है व्हेन एवर, आप देखो ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे हमने कोई लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिखाई दिया, अब हमें क्योंकि IITJEE में इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया लेकिन क्वेश्चन के बीच में एक सब क्वेश्चन उन्होंने एक पार्ट पूछ लिया इस टाइप का, कि हमारा कोई भी लॉगरिथमिक दिखाई दे रहा है, अब हमें उसे देखते ही बताना है कि वो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन एवर द नंबर एंड बेस आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी दैट इज 1, देन लॉगरिथमिक ऑफ दैट नंबर to the base is positive। अब ये सिर्फ लिखो, मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कब पॉजिटिव आएगा, आप देखते ही बोलोगे कौन सा नंबर पॉजिटिव आएगा, कौन सा लॉगरिथमिक नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। However, if the number and base
आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी ऑन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी. जैसे डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी आते हैं देन द लॉगरिथमिक देन द लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर टू द बेस इज नेगेटिव. ठीक है, ये नोट लिखिए. अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. अब देखिए, आप देखो, अब इसमें क्या है, इसको वन वन को एक रेफरेंस माना है, यानी कि यहां पे देखो इस टाइप से, ये भूल जाओ, ये ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक वन रेफरेंस मान लिया, उसमें लिखा है व्हेनेवर द नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी. यानी कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक वन बाई टू नंबर ले लिया और एक वन बाई एट नंबर ले लिया. तो वन के इस साइड में ये छोटे हैं वन से, एक दो नंबर ले लिए मैंने टू और एट, ये दो वन से बड़े हैं. यानी कि ये वन यानी यूनिटी के एक साइड ये हैं, एक साइड ये हैं. वही व्हेनेवर द नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, यानी कि इसके चार केस बन सकते हैं. एक तो ये log 8 बेस 2, जब हमारा नंबर और बेस दोनों वन से बड़े हों, इसका क्या आंसर आएगा. दूसरा क्या होगा, log 1 बाई 8 और 1 बाई 2, दोनों नंबर और बेस वन से छोटे हो गए. ठीक है, तीसरा केस log 8 और बेस 1 बाई 2, यानी कि एक बेस हमारा एक नंबर क्या होगा, ये वन से बड़ा है, बेस वन से छोटा हो गया. अब एक और केस बना दो इसका, यानी कि 1 बाई 2 और ये 8 कर ले. अब नंबर 1 से छोटा ले ले और बेस 1 से बड़ा ले ले. अब देखो, जब हम इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें 8 कम मिलेगा, जब 2 की पावर 3 करें क्या आंसर 3. अब यहाँ पे भी ये क्या करें, 2 ये भी 1 बाई 2 की कितनी पावर करें तो 1 बाई 8 आ जाए 3. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, हम 1 बाई 2 की क्या पावर लाएं कि 8 आ जाए. ठीक है ना. अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो मैंने x मान लिया, तो 8 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर माइनस x. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, माइनस 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस 3. अब इसको भी सॉल्व करो ऐसे ही, x माना तो 1 बाई 2 इक्वल टू 8 की पावर x, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x, और इसे इधर क्या आ गया, 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3x, और यहाँ से x क्या आ गया, माइनस 1 बाई 3. तो ये क्या आ गया, माइनस 1 बाई 3. अब देखो उसमें लिखा क्या है, वेन एवर द नंबर एंड बेस ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन द लॉगरिथमिक ऑफ दैट नंबर टू द बेस इज पॉजिटिव. यानी कि जब भी सेम साइड है यूनिटी के तो नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव. अब यहाँ पे देखो, नंबर और बेस क्या वन से बड़े हैं, पॉजिटिव है, सही है. यहाँ पर नंबर और बेस वन से छोटे हैं, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये भी सही है. अब यहाँ पर देखो, नंबर और बेस एक वन से बड़ा है और एक वन से छोटा है, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे बोला है, क्या बोला है, इफ द नंबर एंड बेस आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी. अगर वन के एक वन से छोटा और एक वन से बड़ा है तो नंबर क्या, रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव. और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, नेगेटिव आ रहा रिजल्ट. ऐसे यहाँ पे देखो, एक वन से छोटा एक वन से बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये रिजल्ट आ रहा. इसका मतलब वेन एवर द नंबर आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वन. हमें जैसे ही लॉगरिथमिक दिखाई दे सिर्फ उसके कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, नंबर पे और बेस पे. अगर वो वन के एक साइड आ रहे हैं दोनों तो पॉजिटिव रिजल्ट है, और वन के डिफरेंट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट है. ठीक है ना. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. ठीक है ना. तब तक के लिए थैंक यू.